हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से और जानेंगे कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट आया है वो आया डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से, जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से देखिए एप्लीकेशन मांगा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है अपना एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद जो फी पेमेंट है वो करेंगे, तभी आपका जो है एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपको फी पेमेंट जो करना है वो बैंक के ड्राफ्ट की फॉर्म में करना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो पोस्ट है वो क्या क्या है और किन किन पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो मेंशन कर रखा है कि आपको 12 जनवरी 2021 तक जो है आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। वहीं अगर आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 जनवरी जो है वो डेडलाइन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है नेम और पोस्ट अलोंग विद डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट, कॉलेज, रिसर्च स्टेशन, रिजर्वेशन, टोटल। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंशन कर रखा है, स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखा है, सारे साथ जो आपको यहाँ वैकेंसीज मेंशन कर रखी है कि कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें प्रोफेसर की वैकेंसी बायोटेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन वो आपका होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और जो यहाँ पे वैकेंसी है वो अनरिजर्व, यानी कि वन वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए। तो टोटल यहाँ पे वन वैकेंसी है। तो ये देखिए प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है। वहीं अगर बाकी अदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ये टोटली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो इसका पे स्केल यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने 15,600 to 6,000। तो यहाँ पे एमोलुमेंट जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो 30,600 रुपीज जो है पर मंथ फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के डिफरेंट डिसिप्लिन में मेंशन कर रखा है, जैसे सोयल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट, साथ ही साथ वैकेंसी भी मेंशन कर रखी है, जैसे वन वैकेंसी एससी में है, तो टोटल में वन वैकेंसी है। ये सब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एनिमल साइंस, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे फिक्स कर रखा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एटमोलॉजी, सिल्विकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, डायट्री इंप्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज है ऑलमोस्ट जो है जितने भी स्पेशलाइजेशन होते हैं उनमें सब में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आपके जो है अपने अकॉर्डिंग आप जो है जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हो या जिसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, और अगर यहाँ पे वो वैकेंसी वो डिसिप्लिन यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं आपका 10 ईयर्स टीचिंग रिसर्च या एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सब्जेक्ट में, और आपके जो है पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशन ये आपकी जो है प्रोफेसर के लिए है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट के इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पे पीएचडी डिग्री होना चाहिए और जो एमएससी होना चाहिए विद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए इन्होंने पीएचडी डिग्री को मस्ट कर रखा है, यानी मैंडेटरी कर रखा है। तो अगर आपका मास्टर डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वे अगर आपका पीएचडी डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में और आपके एमएससी भी कंसर्न सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में, तो और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है 55% मार्क्स रखी है मास्टर लेवल पे। वहीं अगर आप जो एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 50% मार्क्स आपका रहेगा मास्टर लेवल का। ठीक है, तो देखिए और एक चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है, आपको यहाँ पे नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे नेट जो है वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, वहीं अगर आपने जो पीएचडी अपना 2009 से पहले रजिस्टर किया है, तो आपका जो पीएचडी वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एग्जामिन किया होना चाहिए, आपका जो पीएचडी बायोवाइस ओपन होना चाहिए, और आपका जो रिसर्च पेपर मिनिमम 2 होने चाहिए फ्रॉम योर पीएचडी वर्क। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए आप इससे अगर बात करें एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए कोई पीएचडी मैंडेटरी नहीं। अगर आपका एमटेक है फूड इंजीनियरिंग में, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में, या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, या फूड टेक्नोलॉजी में, तब भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है वो पीएचडी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख लें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करेगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी से, चाहे आप एससी एसटी हो तो यहाँ पे, या ओबीसी हो, तब भी आपको यहाँ पे 300 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। तो रिजर्व कैटेगरी को 300, अगर आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल है आपका, और अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपीज जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस किए हैं। तो अगर आप ये सब पॉइंट जो है आप फिलफिल कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नोटिफिकेशन की। तो दूसरा नोटिफिकेशन है वो एसएसबीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसबीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सिचुएटेड जलगांव में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मांगा असिस्टेंट प्रोफेसर का के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा एज पर AICTE और KBC NMU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है अपना CV जो है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यू कैन सेंड बिफोर 27 दिसंबर 2020, या ऑन ईमेल। तो आपको यहाँ पे करना क्या, कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, यहाँ पे आपको अपनी CV और अपनी पब्लिकेशन या डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की जो है सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करनी है इस ईमेल एड्रेस पे SSCOETJL@gmail.com। वहीं अगर बाकी दूसरा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है SSBT का, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। जैसे बी फार्मा में आप देख सकते हैं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। वही लेक्चरर में डी फार्मा में लेक्चरर की वैकेंसी को निकाला गया। और यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन एज पर PCI AICTE DBETU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको जो है सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है SSIPJAL@gmail.com पे before 27 दिसंबर 2020। ठीक है, अब हम देख ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो अगला जो नोटिफिकेशन है वो चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर फिजिकल डायरेक्टर के लिए वैकेंसीज को निकाला गया। सब्जेक्ट भी यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो है इसके लिए जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर रखे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ECE, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब के लिए जो वैकेंसीज को निकाला गया है। वहीं अगर बात फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे फिजिकल डायरेक्टर की वैकेंसी को निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन स्केल ऑफ पे का। तो यहाँ पे जो आपको लाइक स्केल ऑफ पे है वो 7 पे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिलेगा, और जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो AICTE और UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल सिविल, मैकेनिकल, ECE के लिए, तो आपका यहाँ पे BTEC जो है रिलेवेंट फील्ड में होना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ मेंशन कर रखी है, जैसे CEO फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर्स। तो यहाँ पे देखिए इतने जो है ये नॉन टीचिंग पोस्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और यहाँ पे जो है आपको जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो 12 जनवरी से पहले जो है वो सेंड कर देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म एरर डिटेल्स के लिए आप जो है www.cbiit.ac.in पे जाके जो है लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन निकला है 20 दिसंबर को निकाला गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।